बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भैया। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी आलू में सफ़ेद मक्खी के हमले के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, इस पौधे के ऊपर जो है ना, ये पत्तों के ऊपर तीन जो है ना वो सफ़ेद मक्खी के डाल पर बैठे हुए हैं, इसमें नहीं है। और दूसरा, ये जो ये पौधा है इसके ऊपर वो सफ़ेद मक्खी मौजूद नहीं है। तो अगर काश्तकार भैया इसके कंट्रोल की बात की जाए, तो क्योंकि ये सेकंड इंसेक्ट पेस्ट है, सेकंड इंसेक्ट है जो कि पत्ते का रस चूसता है, जिसकी वजह से आलू के जो पत्ते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो पानी ज़्यादा करता है। तो कमज़ोरी की वजह से इसके पत्ते जो है ना वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो है ना ग्रोथ में काफ़ी मसला आता है। दूसरा, जैसा कि आप लोगों को ये पौधा नज़र आ रहा होगा, ये जो है ना इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी ने बहुत ज़्यादा हमला किया है, जिसकी वजह से ये जो पौधा है काफ़ी मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखें जी, तो इसका अगर ईटी लेवल की बात की जाए, जिसे हम एटॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, इसकी जो नुकसान द माशी हद है जी, वह है एक पौधे के ऊपर जब एक पत्ते के ऊपर फी पत्ता पाँच इसके जो डालते हैं वो मौजूद हों, तो स्प्रे करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना इसका नुकसान द माशी हद है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। और दूसरा ये कि अगर इसके कंट्रोल की बात की जाए, तो आप लोगों ने जो है ना किसी अच्छी कंपनी की पेरीप्रॉक्सिफिन जो है ना वो अप्लाई करनी है, क्योंकि पेरीप्रॉक्सिफिन जो है ना इसके वो अंडे और दूसरा इसके बच्चों को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना ये इजीली कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इसके जो अडल्ट हैं, अगर आप अडल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि एक स्प्रे जो है ना आपने एसिटामिनाफ्रिन का कर देना है, और दूसरा बाद में आपने पेरीप्रॉक्सिफिन का एक स्प्रे कर देना है, क्योंकि एसिटामिनाफ्रिन है वो अडल्ट को ख़त्म करता है, और जो पेरीप्रॉक्सिफिन है ये इसके अंडे और बच्चों को ख़त्म करता है। तो जब वैसे एक हफ़्ते के बाद इसके जो अडल्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जब आप लोग ने वो पेरीप्रॉक्सिफिन अप्लाई कर देने हैं, तो फिर आप लोगों को जो है ना इसके अडल्ट और एग जब ख़त्म हो जाएंगे, वो इसके एग और दूसरा वो इसके बच्चे, तो फिर इसकी जो नस्ल है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग जो है ना ये आलू के ऊपर इसे लाजमी कंट्रोल करें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि जितना ये पौधा ऊपर से खुशहाल होगा, तो आप लोगों की नीचे आलू ज़्यादा बनेंगे और आप लोगों की पैदावार बहुत अच्छी आएगी। शुक्रिया, अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।